कि इसकी इसकी बहुत मेहनत है, आपने खुद भी देखा है। कम से कम एक आदमी को कितना मिलता है, इनको कुछ नहीं मिलता है, 300 की भी नहीं मिलता है, 500 भी नहीं मिलते इनको बेचारे को। तो युवा सागर वावा हुई इंशाल्लाह रहमान ब्रोट से को याद कर जितना दूर बेरोजगार भी होगा। बहुत किस्म का फ़ायदा है, अगर इसमें फेटस भी नहीं है, ऑल ओवर शुगर के लिए भी अच्छा है, थायराइड के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए सबसे अच्छा है इसका। यह 30% 70% गो सिर्फ छोट सन खराब बेजन यो आब ये कम थो नजरस मे पमच जबर बेच नदुर ये त्रे चीज नन बु। अगर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। नाज़रीन, दुनिया भर में अगर कहीं पे भी जन्नत है तो यही है, यही है और सिर्फ यही है। वादी कश्मीर की खूबसूरती की अगर बात करें तो वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। यहाँ के घूमने की जगह है, यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, यहाँ के नदियाँ और झरना जो है वो सब किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिलडल में, जहाँ पे सैलानियों के साथ साथ अगर देखा जाए तो लोकल भी यहाँ पे शौक से आते हैं और जिलडल का नज़ारा जो है वो देखते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिलडल में बहुत सारी सब्जियों का जो है पैदावार होता है। बात अगर मेवों की करें, लोटस फ्रूट की बात करें या लोटस स्टम्प यानी नदरू की बात करें तो वो भी इसी जिलडल से जो है बोया जाता है। आज हम जिलडल में आए हैं तो हम आज नदरू के ग्रोवर्स जो है उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो नदरू जो है वो डल से निकालते हैं, कहाँ कहाँ वो एक्सपोर्ट करते हैं और क्या फ़ायदे रहते हैं नदरू के। अंकल क्यों छू कूत टाइम गो तुम नदर कार कर तकरीबन गई मैं पंचा वरी अत स लगान गो तकरीबन सत ठ वरी हेचनस यानी यह गो लकट अद हे कसब बढ़ हे वो वर्य पत हे हेचित कहें यह गुन इत पे शन वन बच्चे त्रावान सकूल इत प तकरीबन ये चोर पाँच वरी तो यह हे तो मैं क्या सीजन रोजान नदर वावनुक सीजन रोजान टाइम नदर वावनुक मार्चस मे हेकान ये वहित चाहे तमें सात नदर वावो या अत ब्या सो खेल या पम्बश जो त्रे कस्म तम हेकान वहित मार्चस मे बिल व्योल क्या वन बिल मतलब सब लबकर बेत नदर तको वहित तमें सात अत बन पत बिल ये नदर बन बेच पम्च आसान पमचन पमचन तम सा सो गुरुट सो रहा मेच सो तम मथान तो पे त्रावान हेकान ये बन वसित तन टाइम लगान नदर बन अत टाइम लगान बन दस अगर वावो ये इंशाल्लाह रहमान ब्रोट से कड़ित नदर बेरोज बिल कड़न सीजन क्या रोजान अच्छा कह टाइम कड़न मतलब दिसंबर पे हेको कड़ी शन रतन तकरीबन शन सतन रतन सतन रतन तको कड़ी पुस तुम नदर जमीन वोमुत तुम नदर खान तुम गवर्नमेंट के तरफ क्या आसाइश वातान वो तमो मतलब सान खुद ठीक कर तमो सफाई ये करें तम सत्या आराम तम सन तदर नन ये गोस खराबी ये जन ये ठ रूद आब पत्थर रूद ठ रूद ये तम सारा खराबी रूद नदर फसल बराबर कहें यह 30% 70% गो सिर्फ छोट सन खराब बेजन यमो यह आब ये कम थो गमेंटन हूँ वन लड़ान हूँ ये वन कर सफाई अम सकान नदर बन बे हम भी
बताइए, जो नदरू आप जिल डल से निकालते हो, इसका क्या सीजन रहता है निकालने का, और इसको बोने का क्या सीजन? इसके 9 महीने का सीजन है, 9 महीने का सीजन निकलता है जब सर्दी शुरू होता है, उसके बाद निकलता है नवंबर दिसंबर अक्टूबर एंड अक्टूबर तक निकलते हैं। क्या क्या चीज़ें झील डल में निकलती है? साग निकलते हैं, शलगम निकलती है, मूली निकलती है, कड़म निकलते हैं, गोभी निकलती है, बहुत चीज निकलते हैं इसमें, आलू निकलते हैं, प्याज निकलते हैं, हरे प्याज। देखा अगर जाए ये जो नदरू है इसकी रेट जो है अमूमन हाई देखने को मिलती है, तो क्या रीज़न रहता है कि इसकी रेट जो है वो हाई रहती है? इसको रहती है एक्चुअली रहती है 300-250 तक इसकी रहती है। तो रीज़न क्या है, क्यों हाई रहती है इसकी रेट? इसकी हाई रेट, इसकी डिमांड ज़्यादा बहुत, जब बाहर से शुरू हो गए, माल जा रहा है बाहर, दुबई एक्सपोर्ट जा रहा है, फॉरेन कंट्री में जाता है, रूस जाता है, अमेरिकन जाता है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी जा रही है, अच्छा अफगानिस्तान जा रहा है, बहुत कंट्री में जा रहा है। क्या उसको अंकल देना? मेरा नाम अली मोहम्मद। तो मैंने में ताकू था टाइम को नदरकार करा। यस मैं से गई मैं वो बोली। क्या क्या फायदे से नदरी? नदरी से लगा इनसे लगा गावड़ा से थायराइड साइज ताकत लगा ज्यादा से लगा कि मूल। इस जात गावड़ा से शे गावड़ा से भी लगा थायराइड से। مےٚ ؤنۍ تو یُس تُہۍ یہِ نادر زٔمیٖن چھُ یا نادر چھُو وَوان، تُہۍ چھُوا یہِ مٔنڈی منٛز سوزان گورمینٹ کہِ طرفہٕ چھُو تۄہہِ اَتھ کیٚنٛہہ؟ نہ نہ، یہِ چھِ أسۍ پانے خود سوزان گورمینٹن، کیاہ یہِ دِژ واپسٕے گورمینٹن، دوٚپُن یہِ چھِ ہسا چھُنہٕ مُجراسٕے، ڈلکین دوٚپ أمِس ہسا چھُنہٕ مُجراسٕے آب، یہِ چھُ گورمینٹُک آب۔ तो नाज़रीन, हमने नदरू के ग्रोवर से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि कैसे नदरू तैयार होता है, क्या सीज़न रहता है नदरू निकालने का। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आम तौर पर नदरू की रेट जो है वो हाई रहती है, लेकिन सारे लोग जो है इस बात से बिल्कुल भी बाखबर नहीं है कि क्या अहम रीज़न रहता है नदरू रेट हाई होने का। आपने विजुअल्स में देखा ही होगा कि कैसे ये नदरू निकालते हैं, सुबह सवेरे आते हैं और पूरा दिन जो है अपने पानी के खेत में नदरू निकालते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और इनके कहने के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको कोई मुनाफा नहीं मिलता है, तो ये भी एक अहम रीज़न हो सकता है नदरू की रेट हाई होने का। और साथ ही साथ आज हमें ये भी देखने को मिला कि जिल डल की जो ज़मीन है यहाँ पर नदरू के साथ साथ बहुत सारे और भी सब्जियाँ जो है वो उगती है। तो आगे भी जम्मू कश्मीर के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स आएंगे आप तक उनसे आपको उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम।